तेल ही नहीं है पूरे पेट्रोल पंप पे। तो ये हालत है श्रीलंका की, आज तक पेट्रोल पंप इनके खुले नहीं है। ये कोलंबो सिटी है और कोलंबो सिटी के अंदर पेट्रोल पंप बंद है। बड़ी दयनीय हालत है भाई, जिस देश में ब्रेड खरीदने के लिए क्राइसिस में श्रीलंका का बहुत बुरा हाल हो गया है। और इतने जबरदस्त क्राइसिस है ये, हर चीज का रेट डबल ट्रिपल हो चुका है। श्रीलंका के इस क्राइसिस की सारी वजह है पॉलिटिक्स, और जो एक स्पेशल घराना करता आ रहा है कई सालों से राजपक्षे फैमिली, उसी की वजह से ये सारा काम हो गया। प्रधानमंत्री भी वहीं, राष्ट्रपति भी वहीं। ये तो वो सीन हो गया जैसे घर की बही काका लिखणिया, कुछ भी करो जनता मारी गई बेचारी। श्रीलंका बेसिकली दो ही चीज़ पे डिपेंड है, एक तो खेती और दूसरा टूरिज्म। टूरिज्म कोरोना खा गया और खेती को सरकार खा गई। सरकार कैसे खा गई, जो इनके मंत्री मुख्यमंत्री या जो भी लगा लो पॉलिटिक्स में जो भी बंदे थे उनको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, और उन्होंने ऐसे ऐसे डिसीजन लिए। जो खाद वगैरह, जो फर्टिलाइजर वगैरह होते हैं खेती के लिए, जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए, गवर्नमेंट ने उनको एकदम से बंद कर दिया। क्योंकि लगभग 3,000 करोड़ के हर साल फर्टिलाइजर और खाद वगैरह श्रीलंका इम्पोर्ट करता है बाहर से। उस 3,000 करोड़ के चक्कर में इन बंदों ने इम्पोर्ट बंद कर दिया उन चीज़ों का। तो इम्पोर्ट बंद करते ही खेती के पैदावार बिल्कुल ख़त्म हो गई कोरोना की वजह से। टूरिज्म पहले ही फैल हो चुका था और इन्होंने लगा दिया ऑर्गेनिक खेती करो, अब ये नया रूल लागू कर दिया। ऑर्गेनिक खाद बनाने के लिए, उनका रिजल्ट लेने के लिए एक लंबा टाइम लगता है। श्रीलंका में मेनली कोकोनट, रबड़ और टी यानी चाय की खेती होती है। चाय की खेती हमारे देश में भी बहुत होती है भाई, श्रीलंका से भी ज़्यादा, पर हम लोग ज़्यादा पी जाते हैं तो इस वजह से एक्सपोर्ट हमारा कम है श्रीलंका के मुकाबले। तो हुआ क्या, इनका एक्सपोर्ट ठप हो गया क्योंकि खेती नील होगी, तो इनको एक्सपोर्ट करने की बजाय चीज़ें इम्पोर्ट करनी पड़ेगी। टूरिस्ट ख़त्म, खेती ख़त्म, और पेट्रोल के लिए पैसा नहीं बचा है इनको पेट्रोल मंगाने के लिए। और पेट्रोल की कीमतें इतनी हाई हो गई, इतनी हाई हो गई कि आसमान छूने लगी। इवन इनको तीन तीन चार चार दिन पेट्रोल लेने के लिए वेट करना पड़ गया। फिर आने लगी हर चीज़ की शॉर्टेज, जैसे कागज़ की भी शॉर्टेज होगी, न्यूज़पेपर बंद करने पड़ गए, इवन स्टूडेंट के एग्जाम भी इनको कैंसिल करने पड़ गए। चीनी महंगी, दवाई महंगी, सिलेंडर महंगा, हर चीज़ महंगी हो गई और हर चीज़ बाहर से मंगानी पड़ गई, और श्रीलंका हो गया जीरो। अभी ज़्यादा ज्ञान ना फैलते हुए मैं एक पेट्रोल स्टेशन पे आया हूँ, वहाँ आपको मैं तेल के रेट दिखाऊंगा। ये क्या यार, पेट्रोल पंप तो बंद पड़ा है, ये देखो। मैं तो कैमरे की तरफ ध्यान दे रहा था, देखा ही नहीं भाई, कोई भी आपको व्हीकल नहीं दिखाई देगा यहाँ पे। तेल ही नहीं है पूरे पेट्रोल पंप पे, पेट्रोल पंप पे कोई गाड़ी नहीं है, कोई कर्मचारी नहीं है, पेट्रोल पंप बंद हो गया भाई, ताला लग गया। नहीं भाई, यहाँ भी ये देखो ताला लगा हुआ है, और ये कुछ श्रीलंका में लिखा हुआ है श्रीलंकन लैंग्वेज में। तो ये हालत है श्रीलंका की, आज तक पेट्रोल पंप इनके खुले नहीं है, और तेल का रेट मेरे हिसाब से 470 या 80 रुपये लीटर होगा। सोचो जिस देश की जनता के पास पैसा नहीं और फिर भी इतना महंगा पेट्रोल लेना पड़ जाए, तो डेफिनेटली सब कुछ महंगा होएगा भाई। पेट्रोल की वजह से सारा ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया, सारी खाने पीने की चीज़ें, क्योंकि सारा काम मेनली ट्रांसपोर्ट से ही होता है। मैं कोशिश करता हूँ आपको किसी और पेट्रोल पंप पे ले जाके प्राइस दिखाऊँ। इतनी ख़राब हालत, बुरा हाल हो गया। ये कोलंबो सिटी है और कोलंबो सिटी के अंदर पेट्रोल पंप बंद है। बड़ी दयनीय हालत है भाई, अब खुद दिमाग लगा लो, देश की राजनीति अच्छी होनी कितनी ज़रूरी है। सिर्फ कुछ राजनेताओं के करके श्रीलंका डूब गया। मैं पैदल पैदल चल रहा हूँ, यहाँ पे कोई मिलेगा पेट्रोल पंप शायद। अभी एक और पेट्रोल पंप दिखाया मुझे, आई होप वो खुला होगा, और आपको मैं रेट लेटेस्ट रेट से अवगत करवाऊँगा। जिस देश में ब्रेड खरीदने के लिए 400 रुपये लोगों के पास नहीं है, वो 450-60 रुपये पेट्रोल के कहाँ से लाएंगे, कमाल की बात है। इवन मुझे कई लोगों ने बोला कि भाई ब्रेड के पैसे तक नहीं है और ब्रेड 400 रुपये की हो गई है, भगवान ही जाने इस कंट्री का क्या फ्यूचर होगा। फाइनली 1.5-2 किलोमीटर की वॉकिंग के बाद मैं पेट्रोल पंप पर पहुंच गया, और ये पेट्रोल पंप चल रहा है, खुशी की लहर मेरे मन में है। अब दिखाता हूँ आपको रेट, ये देखो 430 रुपये लीटर, ये डीजल का रेट है, डीजल 430 रुपये लीटर डीजल है ये। और पेट्रोल का और दिखाता हूँ, पेट्रोल 450, तो 450 रुपये का 1 लीटर पेट्रोल है, बहुत एक्सपेंसिव हो गया भाई। ब्रदर, इन क्राइसिस टाइम पीपल आर स्टैंडिंग इन लाइन फॉर 2 or 3 डेज टू गेटिंग पेट्रोल, इज ट्रू। सोच के देखो, अभी तक सारे पेट्रोल पंप सुचारू रूप से चले नहीं है, कितनी तंगी है। आई होप ये कंडीशन जल्दी सुधर जाएगी। तो चलो चलते हैं, अब मेरी ट्रेन है कोलंबो से कैंडी की, वो आपको मैं अगली वीडियो में दिखाऊंगा।
श्रीलंका की कंडीशन कैसी है वो आपको मैंने दिखा दिया और इसका रीज़न भी बता दिया। इसका रीज़न एकमात्र राजपक्षे परिवार है और राजपक्षे परिवार की वजह से ही जो आंदोलन हो रहे थे उनमें गो गोट्टागो के नारे लग रहे थे क्योंकि प्रेसिडेंट का नाम गोट्टाबया राजपक्षे था। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ट्रेन जर्नी के साथ।